हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और ये एडमिशन रिलेटेड अपडेट निकल के आ रही है जेके वोपी के ऑफिस से। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो काउंसलिंग चल रही है जेके सिटी फॉर द एडमिशन इन इंजीनियरिंग फॉर द सेशन 2021, इसकी जो काउंसलिंग चल रही है वोपी ऑफिस में, इसका कल फोर्थ डे है। तो उसका जो सीट मैट्रिक्स है वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया। और आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट पर्सन ऑन यूट्यूब हु इज़ गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिशन अपडेट्स एज वेल एज द फाइनल सीट मैट्रिक्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग कोर्स इन J&K फॉर वेरियस गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर वेरियस प्राइवेट कॉलेजेस। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लूँ, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि गवर्नमेंट सीट्स जो हैं ओपन मेरिट में GCET जम्मू में ऑलरेडी फिलअप हो चुकी हैं, ठीक है। और गांधरबल में कुछ सीट्स की अवेलेबिलिटी थी ओपन मेरिट में, वो भी आज फिलअप हो चुकी हैं बाय द एंड ऑफ काउंसलिंग जो आज हुई है उसमें। ये देखिए, मैं मार करके भी दिखाता हूँ, ओपन मेरिट में सारी सीट्स फिलअप हो चुके हैं। हाँ, यस, कैटेगरी की जो सीट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी है GCET जम्मू में भी 40 सीट्स है कैटेगरी में, और 89 सीट्स हैं आपकी GCET गांधरबल में जो कैटेगरी की हैं। अब थोड़ा हम ओपन माइट में अगर फिलअप हो चुकी है तो मैं थोड़ा एनालिसिस कैटेगरी की सीट्स का एक बार बता देता हूँ आपको, दोनों कॉलेजेस का, GCET जम्मू एज वेल एज GCET गांधरबल। तो आप उसमें देख पा रहे हैं कि जैसे कि SC की कोई भी सीट नहीं है किसी भी ब्रांच में GCET जम्मू में। फिर अगर ST की बात करूँ तो यहाँ पे 14 सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। जो ब्रांचेस हैं वो हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ENC ST में। OSC में भी कोई सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ALC में आपका आई थिंक सिविल में 3 है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ENC में भी सीट की अवेलेबिलिटी, टोटल 7 सीट्स हैं। और 3 सीट्स RB में अभी भी अवेलेबल है। किस ब्रांच में अवेलेबल है मैं बता देता हूँ आपको, ENC में। CDP में आपकी 6 सीट्स अभी भी वैकेंट है, SP में 4 सीट्स अभी भी वैकेंट है, JKPM में कोई सीट अवेलेबल नहीं है किसी ब्रांच में। PSP की 6 सीट्स हैं, आई थिंक ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और ENC में सब में है। TFW में 12 सीट्स हैं और ये सब की सब में अवेलेबल है, सारी ब्रांचेज में हैं अभी भी इनके पास, ठीक है। अब मैं चलता हूँ GCET गांधरबल में, ओपन माइट में कोई सीट नहीं है कैटेगरी में। यहाँ पे आप ये मान के चलिए काफ़ी सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, 89 सीट्स हैं कल के सीट मैट्रिक्स के लिए। और अगर हम देखें तो ST में भी यहाँ पे ब्रांचेज में सीट्स की अवेलेबिलिटी है, SC में भी सीट्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। SC में यहाँ पे 13 सीट्स हैं और ST में 26 सीट्स हैं। OSC में 5 सीट्स की अवेलेबिलिटी है, ALC में 11 सीट्स हैं, RB में 11 सीट्स हैं, CDP में 8 सीट्स हैं, हर एक ब्रांच में अवेलेबल है। ये देखिए, ये मैंने मार्क कर दिया, 8 सीट्स की अवेलेबिलिटी है, 4 सीट्स SP में, JKPM में 2 सीटें हैं, PSP में 9 सीटें हैं, 14 सीट्स हैं TFW में। तो 89 सीट्स हैं टोटल कैटेगरी की और 40 सीट्स हैं GCET जम्मू में कैटेगरी की। अगर इन दोनों का टोटल किया जाए तो जो टोटल सीट्स निकल के आ रही हैं कैटेगरी की, 129 सीट्स अभी भी दिखा रहा है ये। उसके बाद अगर मैं देखूं मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर लूं, गवर्नमेंट सीट्स का तो मैंने बता दिया, ओपन माइट में कोई सीट नहीं कैटेगरी में, 129 सीट्स अभी भी दिखा रहा है, 129 सीट्स हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। और अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस का एनालिसिस करूं तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कंप्यूटर साइंस मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कंसिडर एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन इवन J&K, जो एक अपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी काफ़ी फेमस है। देखिए, उनका CSE में अप्रॉक्सीमेटली 180 सीट्स हैं, 3 ब्रांचेज हैं इनके पास CSE की। और आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 0 हो चुकी हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एडमिशन अगर मैं बोलना चाहूँ, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, नंबर ऑफ़ सीट्स भी इनके पास मैक्स सबसे ज़्यादा है CSE में, और सबसे ज़्यादा एडमिशन्स भी CSE ब्रांच में कहाँ पे हुई। अगर मैं गवर्नमेंट के साथ भी कंपेयर करूँ तब भी इनके पास 180 सीट्स हुई हैं, 180 सीट्स फुल अप हो चुकी हैं,
तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना क्रेज़ है इस कॉलेज में सीएससी का। उसके बाद अगर हम चलें तो सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा सीट्स फिलअप हुई हैं आफ्टर सीएससी, 64 सीट्स इनके पास अभी भी अवेलेबल है। सिविल की इनके पास दो ब्रांचेस थी, अप्रॉक्सीमेटली 114 सीट्स थी, जिसमें से 64 सीट्स जो हैं इनकी अभी भी वेकेंट हैं। होपफुली मेरे को लगता है कल ये फिलअप हो जाएंगी सिविल की। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे जो इनके पास सबसे ज़्यादा एडमिशन हुई है वो हुई है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अभी भी, लेकिन इनके पास सीट्स की अवेलेबिलिटी है, 53 सीट्स हैं और 55 सीट्स हैं ENC में अभी भी वेकेंट इनके पास, ठीक है। इनके पास 172 सीट्स अभी भी इनके पास वेकेंट हैं। कल लास्ट दिन है काउंसलिंग का, होपफुली इनकी सीट्स में काफ़ी ज़्यादा कल एडमिशन्स होंगी क्योंकि लास्ट डे है और ओपन मेरिट में सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रही है गांधरबल में। और आप अगर देखें तो GCT जम्मू में, ठीक है। अब अगर मैं मंथ बजते सिंह की बात कर लूँ तो यहाँ पे इनका टोटल इनटेक इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 120 सीट्स थी, जिसमें से अभी भी 101 सीट्स इनकी अभी भी वेकेंट है। आई थिंक ENC में यहाँ पे कुछ एडमिशन्स आई थिंक इनकी हुई हैं, कंप्यूटर में भी हुई हैं, इलेक्ट्रिकल में भी आई थिंक एक एडमिशन हुई है, मैकेनिकल में भी कुछ एडमिशन हुई हैं इनके पास। तो अप्रॉक्सीमेटली इनके पास 19 आई थिंक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आई थिंक 19 एडमिशन हुई हैं आज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं SSM कॉलेज की बात कर लूँ तो इनके पास भी अभी भी 533 सीट्स अभी भी इनके पास वेकेंट है। इनके पास 114 सीट्स थी मैकेनिकल में, मैकेनिकल में इनके पास कोई भी एडमिशन नहीं हुई है। और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में आई थिंक इनके पास एडमिशन हुई है, और कंप्यूटर में भी इनकी 60 अभी भी वेकेंट है। ENC में 110 और 136 सिविल में अभी भी इनके पास सीट्स वेकेंट है। योगानंदा की मैं बात कर लूँ, योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी भी इनके पास मैकेनिकल में 111 सीट्स, 108 सीट्स कंप्यूटर साइंस में और 112 सीट्स सिविल में अभी भी वेकेंट है। 57 इलेक्ट्रिकल में है, जिसमें से 388 जो सीट्स हैं वो इनकी टोटल जो है वो अभी भी वेकेंट है। कल के अगर सीट मैट्रिक्स का देखा जाए तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, डिटेल में आपको आइडिया लग जाएगा कि कल कहाँ कहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी है, किस कॉलेज में कौन नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। और अगर लास्ट कॉलेज जो भारत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सांबा सुपाल की अगर मैं बात करूँ, इनके पास आई थिंक अभी भी सीट्स की दिखा रहा है अवेलेबिलिटी, 255 सीट्स हैं इनके पास अभी भी, 57 है इनके पास सिविल में, 57 ENC में, 27 है कंप्यूटर में इनके पास वेकेंट, इलेक्ट्रिकल में 57 है वेकेंट अभी भी और मैकेनिकल में 57 है। तो फ्रेंड्स ये रहा सीट मैट्रिक्स आपके लिए कल का, ठीक है। डिटेल में मैंने आपको ये सीट मैट्रिक्स बता दिया है। आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं है, ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई सीट नहीं है, सिर्फ कैटेगरी की सीट्स अभी भी वेकेंट है गवर्नमेंट में। और माइट में जो CSE ब्रांच है, माइट में CSE ब्रांच जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, उनकी 180 सीट्स जो थी CSE की वो फिलअप हो चुकी हैं। और उनके पास अब आपके पास जो CSE का जो ऑप्शन है वो आपके पास अब रहता है मंत बजता सिंह कॉलेज में रहता है, और योगानंदा में भी रहता है, और भार्गव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी रहता है। तो फ्रेंड्स जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, एक लाइक तो बनता है, मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशल फॉर द जेएनके के स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द एडमिशंस, रिगार्डिंग द जॉब्स, लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास पहुँच रहे हैं, ठीक है। और यूट्यूब चैनल पे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, JK Vacancies अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज पुटअप कर सकते हो। और आप चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ठीक है। और कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं चैनल पे भी आंसर देने का, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।